आज की क्लास में हम विजुअल बेसिक का असाइनमेंट नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का यूज करके फॉन्ट इफेक्ट आपको पैदा करना है, फॉन्ट इफेक्ट दिखाना है आपको चेक बॉक्स का यूज करके। तो आप यहाँ पर पहले भी देखे होंगे कि फॉन्ट इफेक्ट काफी सारे हैं। जैसे एमएस वर्ड की बात की जाए, मैं आपको एमएस वर्ड दिखाता हूँ। एमएस वर्ड में यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट आपको देखने मिला होगा। यहाँ सबसे पहला फॉन्ट इफेक्ट आप जो देखते हो वो है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज को छोटा बड़ा करना, ये आपका फॉन्ट इफेक्ट कहलाता है। साथ ही साथ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे के सारे क्या है, फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपको मतलब इसकी कोडिंग करनी है, ऐसा सेम जैसे एमएस वर्ड में ये बना है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और इसकी कोडिंग करनी है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉन्ट इफेक्ट की कोडिंग करना है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ और फॉन्ट थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। फॉन्ट इंक्रीज करने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले एक लेबल लेते हैं। इस लेबल पे लिखा हुआ फॉन्ट जो है वो इफेक्ट, फॉन्ट का इफेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। इस लेबल पर लिखे हुए फॉन्ट का इफेक्ट हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, इसमें मैं लिखूंगा बोल्ड। यहाँ पर एक बटन बनाते हैं जिसमें लिखेंगे इटैलिक, और यहाँ पर एक बटन बनाते हैं इसमें लिखेंगे अंडरलाइन। यहाँ पर एक कम्बो बॉक्स बना लेते हैं फॉन्ट साइज के लिए। इस कम्बो बॉक्स में क्या होगा, फॉन्ट साइज आएगी। क्लियर है? तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फॉन्ट साइज हमको यहाँ पर करना है लेबल पे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल्ड बनाने के लिए लिख देता हूँ बोल्ड, यानी कि बी। इटैलिक के लिए मैं लिख देता हूँ आई, और अंडरलाइन के लिए मैं लिख देता हूँ यू। चाहो तो आप ऐसा इफेक्ट भी दे सकते हो, यहाँ पर इसका फॉन्ट आप बोल्ड कर दो, इसका फॉन्ट आप इटैलिक कर दो, और इसका फॉन्ट आप अंडरलाइन कर दो। ऐसा बटन बन गया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब आप यहां पर देखोगे कि रन करते समय यहां पर ये जो दिख रहा है इसमें कुछ नहीं आ रहा है। और आप चाहो तो यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में भी करना है, लेवल पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। टेक्स्ट बॉक्स में करना है कि लेवल पे करना है, तो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स या रिच टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। और यहाँ पर हम लिस्ट ले आएंगे, तो इसके लिए ध्यान देना है फॉर्म लोड एक इवेंट होता है, ध्यान से देखना है। मैं फॉर्म पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म लोड, और मैं यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू 9 to 72 फॉन्ट का जो साइज है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और कॉम्बो 1.list एड आइटम इक्वल टू आई। इसके पहले मैं कॉम्बो को क्लियर कर देता हूँ, कॉम्बो 1.clear। तो देखिए अभी हमने जो फंक्शनैलिटी देखी है उसी का यूज हमने यहाँ पर किया। अब जब मैं फॉर्म को रन करूंगा तो कुछ ऐसा दिखेगा फॉर्म, जिस आइटम यहाँ इक्वल टू नहीं होता है, फॉर्म रन करने पर ऐसा दिख रहा है देखो। और यहाँ पर ऐसे फॉन्ट की साइज आ रही है, लेकिन अभी क्लिक करने पर फॉन्ट की साइज छोटी बड़ी नहीं हो रही है। मुझे अब कोड करना है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फॉन्ट, ये वाला जो फॉन्ट है वो छोटा या बड़ा हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं, बोल्ड से कोडिंग करना चालू करते हैं। क्लियर है? तो बोल्ड की कोडिंग, इटैलिक और अंडरलाइन की कोडिंग, चार कोडिंग हमको करनी है, कम से कम चार करेंगे, और भी है। सबसे पहले बोल्ड की कोडिंग करते हैं, इस बटन पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर क्या कोड लिखोगे, टेक्स्ट 1.fontBold=true। ध्यान से देखिए, जब मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट 1.fontBold=true और जब मैं इसको सेकंड की कोडिंग कर लेते हैं इटैलिक की, टेक्स्ट 1.fontItalic=true, और तीसरे की कोडिंग कर लेते हैं टेक्स्ट 1.fontUnderline=true।
तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इस तरीके का दिखेगा जब मैं बोल्ड पे क्लिक करूंगा, इटैलिक पे, अंडरलाइन पे, ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो रहा है। लेकिन दूसरा ये कि दोबारा जब अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन हट जाना चाहिए, लेकिन ये हट नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रू की कोडिंग हुई है, फॉल्स की कोडिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कोड करेंगे, इफ टेक्स्ट वन डॉट फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ध्यान देना, अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, ये इस टाइप की कोडिंग कर रहे हैं। इसके लिए इफ एल्स लगाए और दोनों की कोडिंग की है, ट्रू और फॉल्स दोनों की। अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ध्यान से, ऐसा करने से क्या हुआ, क्या लिखा है, टेक्स्ट वन अगर फॉल्स है, बोल्ड फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तब ऐसा करने से टेक्स्ट वन जो देखो बोल्ड आया गया। ठीक है, वैसे ही इटैलिक के साथ करना है सेम। यहां पर क्या करोगे, इफ टेक्स्ट वन डॉट फॉन्ट इटैलिक इक्वल टू फॉल्स, देन अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सेम कोड है लगभग, इस तरीके से आपको कॉपी पेस्ट करते जाना है। सेम ऐसा ही इसको भी कर लो, इटैलिक को भी, अंडरलाइन को भी, इफ टेक्स्ट वन डॉट फॉन्ट इटैलिक फॉन्ट अंडरलाइन इक्वल टू फॉल्स, देन और इसको फॉल्स वाली कोड कर दो, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि काफी ठीक है, यहाँ तीनों का कोड हो गया। अब देखिए यहाँ पर बोल्ड है, बोल्ड हुआ, कम हुआ, इटैलिक हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, अंडरलाइन हुआ, अंडरलाइन हट गया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन की कोड हो गई। अब ये फॉन्ट साइज वाला मुझे करना है, क्या करना है, फॉन्ट साइज वाला यहाँ पर करना है, तो इसका भी एक लाइन का कोड है फॉन्ट साइज का, इस पे क्लिक करना है, ध्यान देना है यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो जाती है सभी से, इस कम्बो पे क्लिक करना है और कम्बो पे चेंज लिखा होता है, चेंज पे ना करके मुझे क्लिक पे कोडिंग करनी है, इसको अगर चेंज नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेगा वो, या कभी कभी नहीं करेगा वर्क। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू वेल कॉम्बो वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, देखो फॉन्ट वाला कोड भी हमारा हो चुका है। अब मैं रन करता हूँ, हमारा जो असाइनमेंट है बन चुका है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और फॉन्ट आपको बड़ा करना है, तो देखो फॉन्ट बड़ा हो रहा है, और बड़ा करना है, और अंडरलाइन हटाना है, लगाना है इटैलिक बोल्ड। तो एमएस वर्ड का जो बोल्ड इटैलिक वाला जो ऑप्शन है उसको कैसे बनाया गया होगा वो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका असाइनमेंट नंबर 10, असाइनमेंट नंबर ये है आपका 8 है। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन आप लगा सकते हो जिसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। अगर मैं यहाँ पर कलर के लिए एक बटन बना देता हूँ और उसमें लिख देते हैं हम लोग सी या कुछ इस तरीके का लिख दोगे, तो यहाँ पर कलर को भी सेट कर सकते हैं। कलर को सेट करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि कॉमन डायलॉग बॉक्स यूज करेंगे हम, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल इसको मैं यूज कर रहा हूँ। अभी ये कलर वाला आप लोग ट्राई मत करना, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर लिखा कॉमन डायलॉग वन डॉट शो कलर, और यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट वन डॉट फोर कलर इक्वल टू कॉमन डायलॉग वन डॉट कलर। देखिए आपका कोड हो चुका है, अब मैं रन करने वाला हूँ। यहाँ पर आप अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर दिए हो, इटैलिक बोल्ड अंडरलाइन कर दिए, और कलर यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर कौन सा कलर चाहिए, रेड चाहिए तो फॉन्ट आपका रेड हो जाएगा, दूसरा कलर चाहिए आपको पिंक चाहिए, येलो चाहिए, आपके पास टेक्स्ट कलर भी आ गए हैं यहाँ पर। ये आपका असाइनमेंट नंबर 8 था।